माफी चाहते हैं सर, पर ऐसे सड़क छाप टोपा लोग कानून का मजाक उड़ा रहे। पुलिस को हल्के मिले तो एक कंटाप तो बनता है ना सर। दोनों चूरन मिलके पुलिस का मजाक बना रहे थे सर, इसलिए इसलिए हमसे नहीं रहा गया। और सारे बाजार कंटाप बजा दिया और मीडिया को उंगली उठाने का मौका दे दिया। अरे वो होगा तब होगा मिस मलिक, यहाँ पे तो उन लोगों ने मीडिया और पब्लिक के कंधे पे बंदूक रखकर धमकी जारी की है कि करिश्मा सिंह सार्वजनिक रूप से अगर माफी नहीं मांगेगी। माफी चाहते हैं सर, पर ऐसे सड़क छाप टोपा लोग कानून का मजाक उड़ा रहे। पुलिस को हल्के मिले तो एक कंटाप तो बनता है ना सर। दोनों चूरन मिलके पुलिस का मजाक बना रहे थे सर, इसलिए हमसे नहीं रहा गया। और सारे बाजार कंटाप बजा दिया कि हमने, वरना वो करीना बनके कभी करिश्मा बनके अलग अलग शूट करती रहती है। मैं यहाँ अलग से केस सॉल्व कर रही हूँ, कभी साथ शूट ही नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हैं, कट टू कट भी चल रहा है हमारा शूट, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बड़ा मजा आया बड़े दिनों बाद हमने साथ में शूट। हाँ, उन्हीं के चक्कर में तो मैं रील्स बना बना के पोस्ट करती हूँ। और कितना मिस करोगे, आएंगे पर हम लोग आएंगे, लाइव भी हम लोग आएंगे साथ में, डोंट वरी वेरी सून। हमने जो शूट किया है प्रैंक, क्या था वो थोड़ा? सो बेसिकली कहानी ये है कि एक प्रैंकस्टर है जिसने एक झूठे फ़ोन कॉल से पूरी महिला पुलिस थाने को हिला दिया है, प्लेन वेन रुकवा दिया है, और फिर पता चला है कि ये प्रैंक है। और अब हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं, उसे सबक सिखाएंगे और समझाएंगे कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि हमारा और हमारी धर्म पत्नी का स्वभाव एकदम अलग है, एकदम अपोजिट। अरे वो होगा तब होगा मिस मलिक, यहाँ पे तो उन लोगों ने मीडिया और पब्लिक के कंधे पे बंदूक रखकर धमकी जारी की है कि करिश्मा सिंह सार्वजनिक रूप से अगर माफी नहीं मांगेगी। बीत गया? बीत गया मतलब कि बीत रहा है और आगे भी बीतेगा। अब आप लोग पूछेंगे कि कैसे? पूछे आगे विवाह संबंधित नहीं भाई, हम स्वभाव संबंधित बात कर रहे हैं। हमने सोचा दो विपरीत स्वभाव वाले ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट के लिए अच्छे होंगे, और विपरीत स्वभाव वाले एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो एक काम नहीं कर पाता वो दूसरा काम कर देता है, इसीलिए विवाह सफलतापूर्वक बीत जाता है। यही बात हमने आप दोनों में भी देखी। क्या है कि हमने जब देखा कि ये दोनों ऑफिसर्स का स्वभाव एकदम विपरीत है, तो हमें लगा कि ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, एक लात और एक जज्बात। लेकिन यहाँ तो ना आपका लात काम आया, ना तो आपका जज्बात काम आया। माफी चाहते हैं सर, पर ऐसे सड़क छाप टोपा लोग कानून का मजाक उड़ा रहे। पुलिस को हल्के मिले तो एक कंटाप तो बनता है ना सर। दोनों चूरन मिलके पुलिस का मजाक बना रहे थे सर, इसलिए हमसे नहीं रहा गया। और सारे बाजार कंटाप बजा दिया और मीडिया को उंगली उठाने का मौका दे दिया। अब ये साबित कर सकते हैं कि वो प्रैंकस्टर है सर? बिल्कुल साबित कर सकते हैं, इनफैक्ट हम करेंगे। वो दोनों खुद इस बात को कन्फेस करेंगे कि ये सब उन्होंने ही किया है। अरे वो होगा तब होगा मिस मलिक, फिलहाल तो उन दोनों ने मीडिया और पब्लिक के कंधे पर बंदूक रखकर ये धमकी दी है कि करिश्मा सिंह अगर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगी तो पुलिस डिपार्टमेंट पर FIR कर दिया जाएगा।